नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हम लोग हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के गोडम्बा थाना क्षेत्र में, जहां पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के एक छात्र उमर अब्दुल्ला ने एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर अपडेट किया, जिससे कि हिंदू समाज के लोगों को ठेस पहुंची। आप भारी संख्या में यहाँ लोग देख रहे हैं, उनसे पूछेंगे स्वामी जी क्या कहेंगे, किस तरह से जो है आज आप लोग किन मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हैं, क्या यानी कि आपके समाज को ठेस पहुँची। बात दरअसल ये है कि हिंदू समाज सदियों से सही सुन रहा है, और ये इस्लामिक लोग इनके कुरान में ही जो 26 आयतें हैं वो पूरा प्रमाणिक है, वह हिंदुत्व के और सनातन धर्म के और सज्जनों के खिलाफ है, और वह इनको उकसाता है आतंकवादी कृत्य करने के लिए। वही आतंकवादी मानसिकता लेके जो इनको मदरसों में पढ़ाया जाता है, जो इनके दिमाग में कूड़ा भरा जाता है, और अभी इसके इनको प्रमाण की क्या ज़रूरत है। वसीम रिजवी ने 29 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में रखा था कि ये मानवता खिलाफ हैं, और ये इतने सारे मौलाना मिलकर भी जवाब नहीं दे पाए थे। और वह कूड़ा जब कचरा भर जाता है तो आके बवाल करते हैं, वहाँ ऑफिस में आके किसी के घर में जाकर, किसी के ऑफिस में जाकर किसी को भी बवाल और फालतू बात करने की आवश्यकता नहीं है। किसी की फेथ और रिलीजन, ये हमारा संविधान हक देता है कि हम क्या मानते हैं और कैसे मानते हैं, इट्स आवर राइट नाउ। तो उस व्यक्ति ने उमर अब्दुल्ला ये जो है आकर हमारे ऑफिस में हमारे धर्म के खिलाफ और हमारे देवी देवताओं के खिलाफ भड़काऊ बातें कहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो लखनऊ के गोडम्बा थाने से, जहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी सैकड़ों कार्यकर्ताओं की संख्या में पहुंचे थाने, जहां पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे उमर अब्दुल्ला युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे। मुकदमा दर्ज कराने की वजह ये थी कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के छात्र उमर अब्दुल्ला ने हिंदू समाज को ठेस पहुँचाने के लिए अपलोड की थी, जहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता नाराज दिखे उस वीडियो से। वहीं पर पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाया कि हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के छात्र को थाने तक के पहुंचाया, तहरीर भी दी, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पर हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने बिगुल फूका कि वह किसी भी हद तक के जाएंगे और इस तरह के कृत्यों को वह नहीं होने देंगे। वहीं पर अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं से थाना प्रभारी कुलदीप सिंह गौड़ गुडम्बा ने कहा कि वह सख्त कार्रवाई करेंगे, तब जाकर कार्यकर्ता शांत हुए और सभी अपने कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी भी तरह की हिला हवाली इस मामले में होगी तो वह धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। तार जो है षड्यंत्र बहुत गहरे हैं, और ये जो है पाकिस्तान तक इसके हाथ है। बहुत सारे आतंकवादी आए थे उसके साथ, और हमारे भाइयों ने भी बताया, और वो सब जिहाद करने आए हुए थे, आतंकवाद फैलाने आए हुए थे, और उनका मौका नहीं लग पाया, बस यही उनसे चूक रह गई। और उसके पश्चात जब कार्रवाई होने लगी हिंदू के तरफ से, सब भागे, क्योंकि वो गीदड़ भी थे, और बात दरअसल है वो आतंकवादी कार्रवाई को करने के लिए कभी भी उत्सुक हो सकते हैं, इसीलिए हमें सुरक्षा भी चाहिए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो, और एक भी नहीं बचने चाहिए जितने आतंकवादी समंदर। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।